दोस्तों, भारत बहुत ही खूबसूरत देश है। इस देश में प्राकृतिक सुंदरता के अनेकों भंडार है। भारत के अधिकतर क्षेत्र खूबसूरत और प्राकृतिक दृश्यों से परिपूर्ण है। चाहे आप भारत के कन्याकुमारी को देख लो या भारत का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को देख लो, प्रकृति ने भारत को असीम खूबसूरती से नवाजा है। इस देश की खूबसूरती और सुंदरता को देखने के लिए देश विदेश के कोने कोने से लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। भारत में एक तरफ जहां सुंदर पेड़ पौधे, हरी भरे विशाल घास के मैदान, पहाड़, जंगल इत्यादि हैं, तो इसके विपरीत नदियां, झीलें, कलकल करते झरने इत्यादि खूबसूरत नज़ारे भी मौजूद हैं, जिनकी खूबसूरती लोगों का मन मोह लेती है तथा वह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी करती है। ऐसे ही आज हम आपको भारत के कुछ आकर्षक और शानदार झरनों के अनन्य खूबसूरती के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। दूधसागर वाटरफॉल, गोवा, कर्नाटक। दूधसागर वाटरफॉल को दूधसागर जलप्रपात भी कहा जाता है। यह झरना गोवा कर्नाटक राज्य की सीमा के पास मांडवी नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। यह झरना एकमात्र ऐसा झरना है जो दो राज्यों की सीमा पर स्थित है। दूधसागर का अर्थ है दूध का सागर। यह झरना विश्व के सुंदर और लोकप्रिय झरनों में से एक है। दूधसागर झरना पणजी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूधसागर झरने की ऊंचाई 310 मीटर और औसतन चौड़ाई 30 मीटर है। यह झरना देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र भी है। जोग वाटरफॉल, कर्नाटक। जोग वाटरफॉल भारत के कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में कर्नाटक की सीमा पर शरावती नदी में गिरता है। यह झरना चार छोटे छोटे झरनों से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों, 250 मीटर की ऊंचाई से गिरते हुए इस झरने के पानी को देखना अपने आप में एक उत्साहपूर्ण अनुभव होता है। जोग वाटरफॉल की ऊंचाई 830 फीट है, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना है। इस झरने को यूनेस्को की ओर से दुनिया के सबसे अच्छे पर्यावरणीय स्थलों में से एक घोषित किया गया है। यह झरना भारत के सबसे प्रभावशाली झरनों में से एक है, जो भारत के सबसे प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में भी गिना जाता है। नोहका लिकाई वाटरफॉल, चेरापूंजी। नोहका लिकाई वाटरफॉल भारत के पूर्वोत्तर में मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स में चेरापूंजी के समीप स्थित एक जलप्रपात है। इस झरने की ऊंचाई 340 मीटर है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा झरना माना जाता है। नोहका लिकाई वाटरफॉल का मुख्य स्रोत बरसात का पानी है, इसलिए बरसात के समय में इसका आकर्षण और भी अधिक बढ़ जाता है। मेघालय राज्य के चेरापूंजी में पड़ने वाले इस झरने का नाम नोहका लिकाई एक लिकाई नाम की महिला के यहां से कूदने के कारण पड़ा था। यहां पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए होटल्स जैसी कई अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। कुंचिकल वाटरफॉल, कर्नाटक। कुंचिकल झरना भारत के कर्नाटक राज्य में उडुपी शिमोगा जिले की सीमा पर वराही नदी पर स्थित है। यह झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना माना जाता है, जो 1493 फीट की ऊंचाई से बहता है। प्रकृति की गोद में बना यह शानदार झरना शांति, भव्यता, सौंदर्य के लिए भी जाना जाता है। कुंचिकल झरने को स्थानीय लोग कुंचिकल अंबे के नाम से भी जानते हैं। पर्यटकों के लिए यह झरना मानसून के समय में कुछ महीनों के लिए खोल दिया जाता है। बरेही पानी वाटरफॉल, उड़ीसा।
बरेही पानी उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य क्षेत्र में स्थित एक सुरम्य झरना है। यह झरना दो तलों में करके बहता है। बरेही पानी वाटरफॉल भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना है, जिसकी ऊंचाई 1309 फीट है। राष्ट्रीय उद्यान के कारण यह झरना चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ वन्य प्राणियों को आसानी से नजदीकी से देखा जा सकता है। हरियाली से घिरे हुए इस झरने का अद्भुत सौंदर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बरकना वाटरफॉल कर्नाटक। 850 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला यह झरना कर्नाटक में शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के अगुम्बे में पड़ता है। इस झरने के आसपास का क्षेत्र भी बहुत ही खूबसूरत है और मानसून के समय तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। मानसून के समय में दूर दूर से लाखों पर्यटक इस खूबसूरत झरने को देखने के लिए आते हैं। यह झरना कर्नाटक राज्य में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का बहुत बड़ा स्रोत है। यह झरना देश के 10 सबसे ऊंचे झरनों में से एक माना जाता है। अथिरापल्ली वाटरफॉल केरल। पहले से ही भगवान की धरती कहा जाने वाला केरल अपने मानसून, समुद्री किनारों, प्रकृति और झरनों के लिए मशहूर है। यहाँ कई खूबसूरत और शानदार वाटरफॉल्स हैं जो किसी का भी मन मोह सकते हैं। उनमें से अथिरापल्ली झरना सबसे खूबसूरत माना जाता है। यहाँ पर 80 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है। इस झरने में 80 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है। यह झरना पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र माना जाता है। इस झरने का विस्तार इसे बेहद खूबसूरत बनाता है और मानसून के समय इसका नज़ारा अद्भुत हो जाता है। चित्रकूट वाटरफॉल छत्तीसगढ़। चित्रकूट झरने को भारत के नियाग्रा झरने के रूप में भी जाना जाता है। यह झरना छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के पास स्थित इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट झरना देश के सबसे बड़े और मन मोह लेने वाले झरनों में से एक है। यह खूबसूरत झरना 29 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि इसकी चौड़ाई मौसम के अनुरूप बदलती रहती है। मॉनसून के समय इसे देखना तो अद्भुत ही होता है। इस झरने से इंद्रधनुष का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। कूने प्रपात खंडाला। खंडाला में पर्यटन के अंतर्गत अनेक स्थान आते हैं जहां भव्य प्राकृतिक सुंदरता मौजूद है। खूबसूरत प्राकृतिक परिदृश्य से सुशोभित खंडाला अपनी घास की पहाड़ियों, उज्जवल घाटियों, सुंदर झीलों और सुखद जल प्रपातों के लुभावने दृश्यों के द्वारा यहां आने वाले पर्यटकों को प्रभावित करता है। कूने प्रपात खंडाला का एक मुख्य आकर्षण है। इसकी लंबाई लगभग 100 मीटर है। घाटी में गिरने से पहले यह झरना 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। इस झरने की सबसे खास बात यह है कि यह हरियाली से घिरा हुआ है। मानसून के समय इस स्थान का अनुभव सबसे अच्छा होता है। थोसेघर वाटरफॉल महाराष्ट्र। यह वाटरफॉल महाराष्ट्र में स्थित है। यह सतारा शहर के कोनन क्षेत्र के शुरुआत में ही पड़ता है। इसकी ऊंचाई 1150 फीट है। यह इस सुंदर घाटी में एक आकर्षण का महत्वपूर्ण केंद्र है। यह सुंदर घाटी को कस पठार और कस झील के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट छोटूनाई.com पर भी विजिट कर सकते हैं।